हेलो हेलो भाभी जी नमस्ते. नमस्ते. रूपल बोल रहा हूँ. रूपल कौन? रूपल मैं और सात्विक पहले साथ में जॉब करते थे. हाँ बोलिए. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सात्विक के मैं उसमें फेवर में मैंने कॉल किया है, लेकिन आप यकीन करना, आई डोंट नो आपकी कितनी लड़ाई हुई है सिर्फ इस बात को लेके कि भूल गया सात्विक मैरिज एनिवर्सरी. 3 दिन से वो मायूस है. लेकिन भाभी जी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ऐसे नहीं है कि हस्बैंड अगर मैरिज एनिवर्सरी भूल जाता है तो वो आपको लव ही नहीं करता. तो आप मुझे ये बताइए, क्या आप अपनी कभी मैरिज एनिवर्सरी भूले हैं? और ये उन्होंने आपको क्यों कहा है करने के लिए? खुद उन्हें शर्म आ रही है? आखिर एक मैरिज एनिवर्सरी साल में एक बार आती है, वो ये याद नहीं रख सकते? भाभी जी मैं अपनी बीवी की उनकी नजर में अपनी बीवी की अपने हमारी इतनी शादीशुदा जिंदगी के रिश्ते की कोई कीमत वैल्यू ही नहीं है? नहीं, उसकी नजर में बहुत. भाभी जी मैंने इसीलिए फोन किया कि आप शायद इस बात को सही नहीं समझ रही. सात्विक ने मतलब अगर मुंह नहीं खोला तो ऐसा नहीं है आपकी वो. अरे आपको कुछ नहीं पता है, मैं उन्हें जानती हूँ ना, मेरे साथ रहते हैं, मुझे पता है मैं उन्हें रोज झेलती हूँ, किस तरह झेलती हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ याद नहीं रहता, उन्हें सिर्फ अपनी मतलब की चीजें याद रहती हैं. उन्हें कौन सी मीटिंग में कब जाना है, उन्हें कौन से कपड़े कब चाहिए, क्या चीज करनी है, किससे मिलने जाना है, किसको फोन करना है. ऑफिस के बॉस की बीवी के बर्थडे याद रहेंगे? अपनी बीवी का ना बर्थडे ना एनिवर्सरी. आप फोन कर ही क्यों रहे हो? आपको खुद सोचना चाहिए. आप हमारे मैटर में बात कर रहे हो और वो खुद क्यों नहीं फोन कर रहे? वो खुद कहाँ छुप कर बैठे हैं? मैं उनसे दुखी हो गई और मुझे इतना बुरा लगा है. सब लोग मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, इनके काम करो, सुबह से शाम तक इनकी चीजें करो, और उसके बावजूद एक मैरिज एनिवर्सरी याद रखना. तो उनको शुक्र करना चाहिए भगवान को कि उन्हें कितना कम बोलने वाली वाइफ मिली है. मैंने जिंदगी में आज तक उन्हें कभी कुछ कहा है, मेरी कोई डिमांड रही है कि नहीं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इससे जज मत करो कि उसने मैरिज एनिवर्सरी अगर उसको याद नहीं रही तो वो आपसे प्यार नहीं करता. अच्छा, तो किस चीज से लगता है? इसीलिए मैंने आपको फोन किया है कि मैरिज एनिवर्सरी अगर भूल गया है उस पे आप मट्टी डालो ना यार. वो आके माफी मांगे, मुझे नहीं पता. वो मैं माफी की बात नहीं है, अनुष्का भाभी आपसे प्यार करता है, इसीलिए पिछले साल उससे बिल्कुल प्यार नहीं. मैं उनका प्यार दिखता नहीं है, वो प्यार दिखाते नहीं है. यही तो मौका था, वो प्यार दिखा सकते थे. एक फूल ले आते मेरे लिए, एनिवर्सरी मिस कर देते. घर ऐसा नहीं है, प्यार नहीं करता. आप मेरी बात भी सुन लो, पिछले 7 दिन से लगा हुआ है कि नहीं यार, मुझे 11 जनवरी तक सारे काम पूरे करने, 11 जनवरी को सेलिब्रेट करना है, 11 जनवरी को मुझे गिफ्ट लेने हैं. सारे काम उसने छोड़ रखा है 11 जनवरी के चक्कर में. क्यों, क्या है 11 जनवरी को? मेरे से बोल रहा था 11 जनवरी को अनुष्का का बर्थडे है, मैं पूरी बड़ी पार्टी का अरेंजमेंट कर रहा हूँ. तो 11 फरवरी को मेरे मम्मी पापा के यहाँ कौन सा मेहमान आया था? आपका 11 फरवरी को है, तो उन्हें ये भी नहीं पता है? वो भी उन्होंने आपको पता करने के लिए कहा है? सात्विक तो गया. मैं उसे घर से बाहर निकालूंगी. आपने मुझे दोबारा कभी फोन मत करना, ना मुझे उससे भी बात नहीं करनी. मैं तो सोचा तू तो क्या भाई, मुझे बर्थडे तो याद होगा. ये गलती तो मुझसे हुई है ना, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा. मेरे पास सुनिए, ये गलती मुझसे क्या है? मैं अभी बोलो, ये गलती मुझसे, मेरे पास जल्दी नहीं आ रहा है. कुछ याद नहीं रख सकता, मुझे प्यार बताना नहीं आता. एक चीज भी लेकर आया आज तक मैंने से बात कर लो, मेरे से गलती हो गई यार, ये मुझसे गलती होती है. आई एम बाय.